पाकिस्तान फौज को मुबारकबाद देनी चाहिए कि उन्होंने अपने यौम आज़ादी के दिन एक इतना बड़ा तोहफा पाकिस्तान की आवाम को दे दिया। क्लियर है, ये वाज़े हो जाता है कि ये गवर्नर्स अफगानिस्तान आर्मी के जर्नैल, वहां के वॉरलॉर्ड, ये ISI उनको तोड़ने में कामयाब रही और ये इनके साथ शामिल हो गए। इसीलिए वर्चुअली कोई भी लड़ाई लड़े बगैर तालिबान अब 90% अफगानिस्तान के ऊपर काबिज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट शाह अहमद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, किसी को घर से जूते पड़े ना तो उसका मज़ा ही लेना होता है। जब बचपन में हम शरारतें करते थे तो हमें घर से मार पड़ती थी ना, तो बड़ा मज़ा आता था, शरारत का भी और घर से मार खाने का भी। लेकिन घर से पड़ने वाली मार का बंदे को ना अफसोस ज़्यादा देर तक रहता है। बाहर से कोई मारे ना तो बंदा एक दो दिन में भूल जाता है, घर से मार पड़े ना तो बंदा कहता है कि यार मुझे तुमने मारा था। वो बचपन से ना, वो जब तक वो इंसान ज़िंदा रहता है या वो अपनी एज में वो समझदार होता है तो उसको याद दिलवाई जाती है बार बार कि तुम्हें घर से मार पड़ी है, तुम्हें घर से फलां ने मारा था, फलां शरारत के ऊपर मारा था। ऐसा ही भारत के साथ भी हुआ। आपने स्टार्ट में वो क्लिप सुना नाज़रीन, ये क्लिप है, भारतीय डिफेंस के एनालिस्ट हैं, ये दिफाई तज़ियाकार हैं, इनका नाम है कर्नल धनवीर सिंह। कर्नल धनवीर सिंह ने भारत को भिगो भिगो के जूते मारे हैं भारत के अंदर बैठकर। उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसके अंदर उन्होंने कहा कि पाक फ़ौज और ISI ने पाकिस्तान को अपने जश्न आज़ादी के मौका पर एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है, ऐसे मौके पर जब अफगान तालिबान ने अफ़गानिस्तान के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। ये बयान नाज़रीन ऐन इस वक्त जारी किया उन्होंने जब तालिबान पूरी हुकूमत संभाल रहे थे और 14 अगस्त का दिन था, उससे एक दिन के बाद ये वीडियो बयान उन्होंने जारी किया। इस वीडियो में आप वो देखें ज़रा कि वो कैसे बता रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं पाकिस्तान की ISI एजेंसी को और पाकिस्तान आर्मी को। ये मौक़िफ़ नाज़रीन मेरा नहीं, ये भारतीय डिफेंस एनालिस्ट कर्नल धनवीर सिंह का है। उनका मौक़िफ़ ज़रा सुनिएगा कि कैसे वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की एजेंसी ISI ने बड़ा स्मार्टली रोल प्ले किया है अफगानिस्तान के अंदर और जनरल बाजवा ने क्या कमाल पॉलिसी अपनाई। ये वीडियो ज़रा देखें, इसके बाद जो है ना कंटिन्यू करते हैं बात। लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर सीज फायर किया और हम खुश हो गए कि सोच बदली हो रही है। दरअसल सोच बदली नहीं हो रही है, पाकिस्तान की फौज ने अपने आप को रीअलाइन किया। रीअलाइन उसने अफगानिस्तान के लिए किया, उसको ये बखूबी मालूम था कि अमरीकी फौजी जल्द ही अफगानिस्तान को खाली कर देंगे और फिर हमें अफगानिस्तान पर कब्जा करना है। तालिबान को आगे करके अपने फौजियों को सिविल ड्रेस में, तालिबान की वेशभूषा में, तालिबान के साथ भेजकर और हमें काबुल पर कब्जा करना है, अफगानिस्तान पर कब्जा करना है, क्योंकि ये हमारी एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ है। अगर हिंदुस्तान से लड़ाई होती है तो हम अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करके और भारत के साथ युद्ध लड़ने में उसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक उसकी सोच और मानसिकता है। उसी के चलते पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने रणनीति बनाई कि भारत के साथ पहले एक शांति करी जाए, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हरकत कम करी जाए जिससे कि फौज का पूरा जो फोकस है वो अफगानिस्तान बॉर्डर पर हो। उन्होंने बहुत ही शानदार लॉजिस्टिक, ऑपरेशनल और इंटेलिजेंस प्लान बनाया। इस ऑपरेशनल प्लान के तहत उन्होंने सारे प्रोविंशियल कैपिटल्स की घेराबंदी करी और उसके बाद धीरे धीरे करके एक एक करके एक प्लान के तहत उन्होंने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। 90% अफगानिस्तान अब तालिबान के कब्जे में है, यानी कि पाकिस्तान के कब्जे में है, पाकिस्तान की सेना के कब्जे में है। और तो जी नाज़रीन, आपने देखा कि वो कैसे कर्नल धनवीर सिंह साहब जो बता रहे हैं कि जनरल बाजवा ने आज से कुछ अर्सा कबल सीज फायर की ऑफर की इंडिया को और कहते हैं हमने लपक कर वो ऑफर पकड़ ली कि पाकिस्तान ने हमें ऑफर की है सीज फायर की LOC पे, तो कहते हैं हमें तब समझ नहीं आई कि पाकिस्तान क्या गेम खेलने जा रही है। उसके अल्फाज हैं जो मैं कोड कर रहा हूँ, वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने भारत को वहाँ से ठंडा करके कि हम यहाँ से सीज फायर कर रहे हैं और सारी की सारी जो फौज है रीअलाइन करके पाकिस्तान की उसको अफगानिस्तान के अंदर एक मिशन पर लगा दिया और वो मिशन ये था कि तालिबान के ज़रिए अफगानिस्तान के ऊपर हुकूमत करना और
उसने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया, बाकायदा तौर पर जनरल बाजवा को और आईएसआई को मुबारकबाद दी कि आपने बड़े अच्छे से रोल प्ले किया। और स्पेशली उसने एक चीज़ का इजहार किया, उसने कहा कि मैं दाद देता हूँ आईएसआई को कि उन्होंने इतना अच्छा इंटेलिजेंस ऑपरेशन यहाँ पे किया जिसके बाद पाकिस्तान को कामयाबी मिली तालिबान के जरिए अफगानिस्तान। और इन सारे ऑपरेशंस में सबसे अहम ऑपरेशन जो था वो इंटेलिजेंस ऑपरेशन था। आईएसआई की दाद देनी चाहिए, आईएसआई ने बहुत ही शानदार काम किया। उन्होंने जितने भी ये प्रोविंसेस के जो गवर्नर्स थे, जितने भी वहां पे वॉरलॉर्ड्स थे, उनके साथ में सांठगांठ बिठाई, उनको अपने साइड में लिया। और यहां तक भी सुनने में आ रहा है कि अफगानिस्तान फौज के जर्नैल तक उन्होंने तोड़ लिए और उनको भी अपने स्थान में, और भारत को नाकामी मिली। उन्होंने कहा कि भारत की मिसाल इस पूरे केस में ऐसी है कि जैसे दो सुरमाओं की लड़ाई में एक लड़का वैसे ही चपेड़े खा के रोता हुआ घर आ जाता है। यानी कि ये उसने अपने मुल्क भारत के बारे में कहा, एक फौजी कभी भी ऐसी बात नहीं करता। लेकिन पता नहीं कैसे हैरानी है मुझे इस बात पे कि उन्होंने सच बोल दिया। वो वीडियो ज़रा देखें फिर इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। अपने साथ मिला लिया, पाकिस्तान फौज को मुबारकबाद देनी चाहिए कि उन्होंने अपने यौम आज़ादी के दिन एक इतना बड़ा तोहफा पाकिस्तान की आवाम को दे दिया। और भारत की स्थिति इस समय बहुत ही गंभीर है, एक उस तरीके से है जैसे कि गली में एक लड़का दो गुटों की लड़ाई में खाम खाम पिट जाता है और रोते रोते अपने घर आ जाता है। तो बिल्कुल दो बड़े शक्तियों के बीच में, इलाकाई शक्तियों के बीच में झगड़ा चल रहा है, दैट इज तालिबान, मैं उसको बड़ी शक्ति मानूंगा, और पाकिस्तान एक तरफ और दूसरी तरफ अमरीका, अफगानिस्तान की सरकार और सेना, और इनके बीच में लड़ाई चल रही है। और भारत ऐसे ही खाम खां चांटे चूटे खाकर रोते हुए गाल मलते हुए वापस आ गया है। नाज़रीन आपने देखा कि वो कैसे बता रहे हैं कि भारत जो है अफगानिस्तान के इशू के ऊपर दो सुरमाओं की लड़ाई में धक्के से ही वेले से ही चपेड़े खा के रोता हुआ घर आ गया। अब कहता है भारत को अभी तक समझ ही नहीं आ रही कि वो करे क्या, उसके साथ हुआ क्या है। नाज़रीन ये भारत की ना कुछ ऐसी चीज़ें थी जो इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर की, और ये उसको सारे के सारे को पाकिस्तान के खिलाफ यूज़ करना चाहता था, जबकि इसके सारे इरादे खाक में मिल गए, खाक में इस तरह से मिल गए। वो अपनी वीडियो में बता रहा है कि ये कर्नल धनवीर बताता है कि आपने नोट किया होगा कि तालिबान ने सबसे पहले बॉर्डर एरियाज़ को पाकिस्तान के साथ जो मिलते थे उनको कंट्रोल किया, वो इसलिए कि पाकिस्तान से वहाँ उनको सपोर्ट मिले। और जो पाकिस्तान में भारत दहशतगर्दी करता था, NDS और रॉ मिलकर जो स्लीपर सेल्स चला रहे थे अफगानिस्तान के अंदर, ये सारे के सारे भारत अफगानिस्तान से ऑपरेट करता था, क्योंकि LOC पे तो बड़ी सख्ती है, वहाँ से जो है इनके लिए दाखिल होना बड़ा मुश्किल का काम है, क्योंकि हमारी फोर्सेस बड़ी एक्टिव रहती थी। लेकिन अफगानिस्तान का बॉर्डर बहुत बड़ा था, पाकिस्तान ने रिसेंटली फेंस अपनी कम्प्लीट की है, वहाँ पर तकरीबन 750 किलोमीटर फेंस लगाई है पाकिस्तान ने इनकी दरअंदाजी को रोकने के लिए। बलूचिस्तान में ईरान के ज़रिए से भी भारत इन्वॉल्वमेंट शो करता था, सबसे ज़्यादा शो करता था अफगानिस्तान के ज़रिए, क्योंकि उसको अफगानिस्तान की हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट थी। भारत उनको पैसे देता था, अशरफ गनी के मुंह में रोटियों के टुकड़े डालता था, और अशरफ गनी जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ उनको अपनी ज़मीन इस्तेमाल करने के लिए दे देता था। तो अब इस चीज़ का एक्सेप्टेंस वो भी भारत से आ रही है कि पाकिस्तान ने कमाल किस्म की जो है वो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी के ऊपर अमल किया है कि भारत को चपेड़े पड़ गई वहाँ से, और भारत वहाँ से मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर भारत को। और ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत, उसने कहा है कर्नल धनवीर सिंह ने, कि ये बहुत बड़ी जीत है, पाकिस्तान ने बहुत बड़ा तोहफा दिया है। दूसरी जानिब बार बार वो इस चीज़ को रिपीट कर रहे थे कि पाकिस्तान ने भारत को अफगानिस्तान के अंदर ऐसे चपेड़े पड़वाई हैं उन दो गैरों की जंगों के अंदर। उसने कहा कि तालिबान को मैं सुपर पावर मानता हूँ, अब वक्त की उन्होंने सुपर पावर को शिकस्त दी, जिसमें सबसे बड़ा हाथ उसने कहा कि पाकिस्तान का है, और वो इस चीज़ के लिए परेशान भी था। लेकिन उसने अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया, अब वल्लाह आलम ऐसा था भी या नहीं। ये सारे के सारे अल्फाज कर्नल धनवीर सिंह के थे, वो खुद इस बात के बारे में सारे पॉइंट्स उन्होंने अपने डिस्क्राइब किए, लेकिन पाकिस्तान के मीडिया ने इसको पोर्ट्रे किया है कि भारतीय कर्नल रिटायर्ड ने पाकिस्तान को, पाकिस्तान की एजेंसीज को अप्रिशिएट किया और पाकिस्तानियों को मुबारकबाद दी कि आपने अफगानिस्तान के अंदर बड़ा अच्छा रोल प्ले किया और भारत को वहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया।
नाज़रीन ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा भी हुआ होगा, आपने वीडियोस भी देख ली। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।